हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो राइट नाउ SOL के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं एंड थर्ड सेमेस्टर में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। बार बार आप लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट है एग्ज़ाम देने का। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज़, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हम कौन सा तरीका चूज़ करें एग्ज़ाम देने का थर्ड सेमेस्टर के, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। क्योंकि गाइज, आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर से कंडक्ट होने वाले हैं एंड इस बार SOL आपके जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो दोनों तरीके से लेगा, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। तो गाइज़, आपको जब आपका री एडमिशन होगा सेकेंड ईयर के अंदर, उस टाइम पे इस चीज़ को चूज़ करना है, इस ऑप्शन को चूज़ करना है कि आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन। सो गाइज़, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा तरीका अच्छा है। तो गाइज़ देखिए, मेरे या किसी और के कहने पर मत जाइए, आप लोग खुद को एनालाइज़ कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है एंड उसके बाद ही चूज़ कीजिए कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑफलाइन। क्योंकि गाइज़, आप लोगों की वीकनेस, आप लोगों की अच्छाइयाँ, आप लोगों की बुराइयाँ आप लोग समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। सो गाइज़, आप लोग खुद को एनालाइज़ कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को किस तरह एग्ज़ाम देने। क्योंकि गाइज़, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ एडवाइस करती हूँ और मान लीजिए वो एडवाइस आप लोगों के लिए अच्छी साबित नहीं होती है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो गाइज़, आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम देने या ऑनलाइन। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ों की, यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें बताने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो गाइज़, फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। सो गाइज़, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ एंड उसके बाद आपको मैं थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी बताऊँगी, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइज़, अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ऑफलाइन एग्जामिनेशन क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है, सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन की डेट शीट आती है। डेट शीट के अंदर आपको पता चलता है कि आपका एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्ज़ाम कौन से दिन कौन सी तारीख को है। उसके कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट आता है, जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम रोल नंबर एंड बाकी की डिटेल होती है एंड उसी के अंदर होता है आपका सेंटर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है। एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप पहुँचते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक रूम अलोकेट किया जाता है एंड उस रूम के अंदर आप लोग बाकी स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम देते हैं बैठकर एंड अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं। तो गाइज, ऑफलाइन एग्जामिनेशन ये होता है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। तो गाइज, अगर मैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन की पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो गाइज, ऑफलाइन एग्ज़ाम की सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगती है कि सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर इंटरनेट का कोई भी काम नहीं होता, ना तो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होता है, ना ही आंसर शीट को स्कैन कर अपलोड करना होता है। तो बाई चांस अगर आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो गाइज, आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन में इसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में जो टीचर होता है वही आपको आंसर शीट, आपको क्वेश्चन पेपर देता है एंड आपकी आंसर शीट ले लेता है। तो गाइज, ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर जब आप एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो गाइज, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माहौल मिलता है। आप बिल्कुल फोकस होकर 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं एंड सेकंड पॉजिटिव चीज़ यही है ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होता, आपको कोई भी इंसान परेशान नहीं करता एग्ज़ाम के वक्त पर। जबकि अगर हम, तो गाइज ये सारी चीज़ें हो गई, तो गाइज़ ये दो पॉजिटिव चीज़ें हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन की। सबसे पहली चीज़ तो कि इंटरनेट को, अगर आप इंटरनेट आपको यूज़ करना नहीं आता या फिर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बेस्ट थिंग है आप लोगों के लिए एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। सेकंड बात करते हैं हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन की नेगेटिव थिंग्स की। देखिए गाइज, इस वक्त अगर मैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन की नेगेटिव थिंग की बात करूं तो गाइज, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की सिर्फ एक ही नेगेटिव थिंग है और वो है आपकी प्रिपरेशन। गाइज, आप लोगों को पता है कि इस बार आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा कम वक्त है आपके पास एंड इतने कम वक्त में ऑफलाइन एग्जामिनेशन, क्योंकि गाइज ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आप किसी भी बुक का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी अदर स्टडी मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आप
को कंप्लीट अपने माइंड में आंसर को याद करके ही उसको आंसर शीट के ऊपर लिखना है। वहीं अगर मैं बात करूं अब OBE एग्जामिनेशन की, तो गाइस OBE एग्जामिनेशन की सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ यही है कि OBE एग्जामिनेशन के अंदर आप सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम देंगे वो आप अपने घर पर ही बैठकर देने वाले हैं। तो गाइस जब आप अपने घर पर ही बैठकर एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, जो अगर आपने कोई स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी आप किसी अदर स्टडी मटेरियल की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई भी टीचर नहीं रोकेगा या कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन गाइस ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर आप ये नहीं कर सकते। तो गाइस OBE एग्जामिनेशन की सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ तो यही है। सेकेंड पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगती है OBE एग्ज़ामिनेशन की, कि अगर मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके घर से बहुत दूर है, तो गाइस OBE एग्ज़ामिनेशन के अंदर आप लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे ना जाकर अपने घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट गाइस ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पहले ही इस चीज़ को डिसाइड कर रखना है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने या ऑफलाइन। तो गाइज़ बस OBE एग्ज़ामिनेशन की सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव थिंग यही है कि आप लोग इसके अंदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं OBE एग्ज़ामिनेशन की नेगेटिव थिंग्स की। गाइज़ OBE एग्ज़ामिनेशन की नेगेटिव थिंग्स बहुत सारी हैं, एंड अभी जब लास्ट सितंबर में एनुअल मोड वाले स्टूडेंट ने OBE एग्ज़ाम दिया था तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइज़ वही सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। गाइज़ OBE एग्ज़ामिनेशन की सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को घर से ही एग्ज़ाम देना है। एंड गाइस आप लोग जानते हैं कि घर पे हम फुल्ली फोकस होकर अपने ध्यान एक जगह नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, छोटे बहन भाई भी होते हैं, तो वो लोग शोर या उनकी आवाज़ वगैरह हमारे कानों में पड़ती है। जबकि ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन में हम एग्ज़ाम सेंटर पर होते हैं तो वहाँ हमें ऐसी कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। तो गाइस OBE एग्ज़ाम में आप चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है अगर आप देने वाले हैं, कि आप लोग अपने घर के अंदर कोई पीसफुल प्लेस ढूंढ कर रखें जहाँ पे बैठकर आप 3 घंटे आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकें। इसके अलावा गाइस OBE एग्ज़ामिनेशन की जो सेकंड नेगेटिव थिंग है वो ये है कि OBE एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे SOL की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है अगर उसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है तो आपको OBE एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है या आपका इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं करता है आपके फ़ोन के अंदर, तो आप लोग ना तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे एंड ना ही अपनी आंसर शीट को स्कैन कर PDF बनाकर अपलोड कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर शीट को स्कैन करने नहीं आता, PDF बनाने नहीं आती। गाइस अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है तो गाइस OBE एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड इसके अलावा गाइस अगर आपने अपने नोट्स वगैरह तैयार नहीं करके रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके नहीं रखे हैं या फिर आपने कोई इम्पॉर्टेंट नोट्स नहीं तैयार किए हैं, तो गाइस OBE एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर बुक में ढूंढेंगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा। तो गाइस इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप OBE एग्ज़ामिनेशन देने के बारे में सोच रहे हैं, कि आप पहले से नोट प्रिपेयर करके रखें, सारी चीज़ों को पहले से सोच समझ कर रखें। सो गाइस मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी और नेगेटिव चीज़ें भी, ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन की भी और OBE एग्ज़ामिनेशन की भी। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं आपको सारे समझ आए होंगे, एंड अब आप लोग इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोगों को कौन से तरीके से अपना एग्ज़ाम को देना है, ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन। सो गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी के कहने पर कुछ भी चूज़ मत कीजिएगा, आप लोग खुद से सोचिएगा एंड उसके बाद अपने चीज़ों को करिएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।